अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, लेटेस्ट जॉब्स अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं, तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं पाकिस्तान आर्मी ईएमई सेंटर क्वेटा कैंट जॉब 2023, जो कि 15 फरवरी 2023 को पब्लिश की गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी और इसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक, और जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं जॉब डिटेल्स की तरफ। जॉब डिटेल्स: डिपार्टमेंट नेम पाकिस्तान आर्मी ईएमई सेंटर क्वेटा कैंट, लाइवे बाई कोरियर, नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीपल, न्यूज पेपर दिल्ली एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये जो जॉब्स हैं, ये दिल्ली एक्सप्रेस अखबार है जो इसमें पब्लिश की गई हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट है। लोकेशन इसकी पाकिस्तान है। लास्ट डेट 28 फरवरी 2023। लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2023। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो अवेलेबल पोजीशन है वो भी आप ऑन स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं, जैसा कि चौकीदार की है, कुक यूनिट है, हेड वर्कर की है, इसी तरह माली की है, वेटर की हैं। तो इसकी जो अवेलेबल पोजीशन है ये आप ऑन स्क्रीन पर भी रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी आपको ऑन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसकी जो अहम और खास बात ये है कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप ऑन स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। इसमें अपनी तलीम के हसूल के मुताबिक हम अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो एड्रेस है, हम इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम शिनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लेकर उधर जाएंगे, और हम इसे, तो दोस्तों इसका जो एड्रेस है, हम उधर जाके अप्लाई करेंगे। आप इसकी पोस्ट के ऊपर भी इसका एड्रेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये मुकम्मल तफसीलाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।